तो और भाई लोग और उनकी बहन लोग, क्या हाल चाल है यार। स्वागत है तुम लोगों का आजाद गेमिंग में, पबजी के एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ। अब देखो भाई साहब, इस गेम प्ले की बात करो तो सीरियसली मैं तबाही है, सच्ची बोलता हूँ। मतलब क्लच पे क्लच देखने को आपको मिलेगा, और जोन के अंदर मतलब कतई जोन इतना उतना नहीं, छोटा मोटा जोन नहीं, मतलब कई गुना ज्यादा दूर में जोन बनेगा, और भाई साहब वहां पे क्लच देखने को मिलेगा। और गाड़ी वाड़ी को तो मतलब चक्के वक्के फोड़ दिए जाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे गाड़ी लेके जाऊंगा मैं, मतलब वो सब चीजें होगी बाद में। और उसी के साथ मैं उतर जाता हूँ अभी मिल्टा पावर में, और भाई साहब मेरे साथ दो लौंडे और उतरे हैं। और भाई साहब उतरते के साथ मुझे AK मिल जाती है, और उसका दूसरा लौंडा है ना मेरे सर के ऊपर ही कूद जाता है भाई साहब, और कूदते के साथ है ना मुक्का पेलने लगता है। मैं बोलता हूँ बहुत बढ़िया, और मुक्का पेलने के बाद, एक मुक्का पेलने के बाद भाई साहब भगना चालू कर देते हैं। मैं बोलता हूँ इधर आ, पहले इधर आ, इधर आ, नॉक हो, और नॉक करता हूँ। उसके बाद दूसरे लौंडे को भाई गन मिल जाती है, तो मैं भगता हूँ और अपनी बची हुई एमओ उठाता हूँ भाई साहब, रिलोड मारता हूँ और आराम से पेल देता हूँ उस लौंडे को। और भाई साहब उसको मारने के बाद यहाँ पे कोई लौंडा मिलता नहीं है, मुझे कोई आया ही नहीं होता है भाई साहब। जितनी भी सस्ती महंगी लूटें होती है उठाता हूँ, एक बॉट मिल जाता है, उस बॉट को पेलने के बाद भाई साहब गाड़ी उठाते हैं और गाड़ी लेके घूमने चलते हैं, घूमने चलते हैं। कहां जाते हैं पता नहीं, मतलब हर जगह चले जाते हैं भाई साहब बंदा ढूंढने के लिए, कहीं बंदा मिलने का नाम नहीं लेता। सीरियसली बोलता हूं इतना गाड़ी घुमाया हूं, मतलब एक भी लौंडा कहीं पे भी सू से सा नहीं करता है भाई साहब। तो मैं बोलता हूं रोजॉक चलते हैं, मतलब लास्ट ऑप्शन वही है, वहां पे बंदे मिलते ही मिलते हैं। और भाई साहब मैं रोजॉक के इस वाले घर के पास अपना गाड़ी रोकता हूं, क्योंकि ये वाला घर और रोजॉक का पहाड़ी दो एक ऐसे जगह है ना भाई साहब, जहां से आप पूरे रोजॉक देख सकते हो कि कहां पे लौंडे एक्चुअल में है। और भाई साहब अपने पास कोई स्कोप नहीं है, तो एक गाड़ी आ रही है, तो मैं रेड डॉट से स्प्रे करने की कोशिश करूंगा। और भाई साहब ये सस्ते स्प्रे से कुछ होता नहीं है भाई साहब। उसके बाद लौंडा पता नहीं वो गाड़ी वाला किधर जाके ठिल जाता है, पता नहीं उधर फाइट हुई है, दो लौंडे ठिले हैं, अब कौन सा ये ठिल गया कि उसके अपोजिट वाला ठिल गया, पता नहीं कोई तो ठिल जाता है भाई साहब। और पीछे मुझे एक ड्रॉप दिख जाती है, तो मैं ड्रॉप जाता हूँ लूटने के लिए, और Level 3 का वेस्ट हेलमेट मिल जाता है मुझे, और गिली सूट मिल जाता है। तो उसके बाद मैं उठाता हूँ और फिर से इसी घर के ऊपर आता हूँ, और भाई साहब वेयर हाउस में कोई लौंडा पहुँच चुका है, और मैं नेट पर नेट फेंकने की कोशिश करता हूँ। और भाई साहब वो भी नेट फेंकना चालू कर देता, मतलब उसको भी एग्जैक्टली लोकेशन मेरा नहीं पता है, मतलब मेरे को भी उसका एग्जैक्टली लोकेशन पता नहीं है, दोनों अंधा नेट फेंके जा रहे हैं कहीं पे भी। और भाई साहब पता चलता है कि वो लेफ्ट में आ चुका है, मतलब थोड़ी सी आवाज़ आ देती है, फुट स्टेप आ जाता है। तो भाई साहब चलो फिर देखते हैं कहाँ है लौंडा। और भाई साहब मैं उसको नॉक करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूँ भाई साहब, सोचता हूँ कि कोई इसका पार्टनर वार्टनर होगा तो हड़बड़ाएगा थोड़ा सा, कोशिश करेगा बचाने का, लेकिन भाई साहब कोई आता नहीं है, तो मैं उसको आराम से पूरा फिनिश करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक बॉट रहता है कि क्या आदमी रहता है मुझे नहीं पता, लेकिन भगता फिरता है भाई साहब, तो उसको भी फिनिश करके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जोन अपने ऊपर आ चुका है। और भाई साहब तैयार हो जाओ, मतलब असली तबाही शुरू होने वाली है, जोन हो चुका है पूरा छोटा, और लौंडे बचे हुए हैं 10, मतलब सारे के सारे लौंडे रोजॉक में ही पड़े हुए थे भाई साहब। और भाई साहब मैं यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ फटाफट, और इधर उधर देख के चक्कर में गाड़ी में इधर उधर चलाता हूं। और भाई साहब पुलिया पे चढ़ते ही मेरे साथ कुछ अनोखा दृश्य होता है, तो उसके बाद देखो क्या होता है, गाड़ी की मतलब ऐसी तैसी हो जाएगी।
और भाई साहब एक को तो मैं उतरते के साथ मार देता हूँ, लेकिन दूसरा लौंडा कहाँ से भाई साहब गोली फायरिंग करता है, उसको देखने के चक्कर में ना भाई साहब किधर किधर गाड़ी फंस जाती है, पुलिया पे फंस जाती है। उसके बाद मेरे को समझ में नहीं आता, मैं किसी तरीके से भगाता हूँ, तब तक मैं एक टायर फूट जाती है गाड़ी की, तो मैं समझता हूँ कि गया। लेकिन किस्मत अच्छी होती है, मैं गाड़ी किसी तरीके से मैं रोकता नहीं हूँ, एकदम बूस्ट मार के निकालते चलता हूँ भाई साहब, और किसी तरीके से कवर लेता हूँ, हेल्थ वेल्थ अपना लगाता हूँ, हील वील करता हूँ। उसके बाद देखता हूँ कि लौंडा है कहाँ आखिर मैं भाई साहब, और उसके बाद पता चलता है कि लौंडा इधर है। फिर देखो क्या होता है, और भाई साहब इसको तो मैं मार देता हूँ, लेकिन अपने पास देखता हूँ कि 5 की एमओ बहुत कम हो गई, तो मैं बोलता हूँ लूट करके जाऊंगा, तो मैं हेल्थ वेल्थ करता हूँ, बूस्ट वूस्ट लगाता हूँ, और भाई साहब 7 की एमओ या 5 की एमओ जो भी होती है सब लूट वूट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से उसी गाड़ी में निकलने की कोशिश करता हूँ, और भाई साहब ये गाड़ी आगे बढ़ती नहीं है, इतना ज़्यादा चढ़ाव है, तो मैं बोलता हूँ पीछे मोड़ो, मतलब बैक ही मोड़ता हूँ, बैक लेके किसी तरीके से जाता हूँ, और पास में एक और गाड़ी लगी होती है, मैं देखता हूँ उसके भी चक्के भाई साहब गायब है। मैं बोलता हूँ चक्के फोड़ने का इतना क्या शौक चढ़ गया, मतलब पबजी वालों ने ऐसा टास्क दे दिया, तो मतलब हाँ एक रॉयल पास का वो वाला क्या बोलते हैं टास्क, क्या उसको मिशन, हाँ मिशन बोलते हैं, मिशन में दिया गया है कि चक्के फोड़ने हैं भाई साहब गाड़ी के, तो सारे चक्के क्या, अरे जोन में पहुंच जाओ उसके बाद फोड़ लेना चक्के, लेकिन नहीं बाहर ही, मतलब लोगों को जोन पहुंचने ही नहीं देंगे, बाहर ही सारे चक्के फोड़ देंगे। और भाई साहब किसी तरीके से इसी गाड़ी को लेके मैं जोन के अंदर पहुंचने की कोशिश करता हूं, और देखो यहां हिल डुल रही है, मतलब सामने मेरे को बग्गी मिल गई, और भाई साहब हिल डुल के कैसे कैसे जा रही है, सांप की तरह रेंगते रेंगते जा रही है। मैं बोलता हूं बग्गी में लो उतरो, कहीं पे उतरो, बग्गी लेता हूं, फिर भाई साहब जोन के अंदर जाता हूं, और लास्ट जोन बना होता है भाई साहब सेवरनी में, तो मैं किसी तरीके से बग्गी यहाँ पे रोकता हूँ, घर के ऊपर चढ़ता हूँ, भाई साहब हील करने की कोशिश कर ही रहा होता हूँ कि तभी पता चलता है सामने वाले घर के है ना, मतलब जो 3 स्टोरी दिख रही है उसमें 2 लौंडे मौजूद हैं, और वो दोनों पहले से किसी 2 लौंडे से फाइट ले रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड में 2 लौंडे और मौजूद हैं, मतलब 2 टीम मेरे अपोजिट में बाकी, और मैं समझता हूँ कि ये दोनों आपस में लड़कर ठिल जाएंगे इससे पहले कि किल विल अपने को कुछ ना मिले, तो मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश करता हूँ। और जैसे ही यहाँ पहुँचता हूँ भाई साहब उनकी फाइट चालू हो जाती है, तो मैं बोलता हूँ लड़ लो आपस में, मर लो तुम लोग, और भाई साहब नेट खींचने की कोशिश करता हूँ कि शायद एक आध किल अपने खाते में आ जाता हूँ, तो नेट खींचता हूँ तो पता चलता है लो टॉस में है, तो मैं कैंसिल करता हूँ, उसके बाद उधर ही नेट वेट फटने लगते हैं, तो देखो क्या होता है। और भाई साहब इस फाइट में एक टीम तो निपट जाती है, बचे हैं 2 लौंडे, मेरे पास एक मौली होती है, तो मैं मौली फेंकने की कोशिश करता हूँ कि शायद लौंडा जले वले तो हिलने भगने की कोशिश करेगा, लेकिन भाई साहब जलता भी नहीं है, तो मैं अपना दिमाग लगाता हूँ, 4 IQ का दिमाग लगाता हूँ, और लेटता हूँ यहाँ से कि लौंडे को पता भी ना चले, मैं सो के निकलूंगा यहाँ से भाई साहब, और मैं लेट के आगे जाने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद वहाँ पहुँचता हूँ, पता चलता है वो लौंडा अब मेरे ऊपर मौली फेंकने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं उसको कैसे पता चल गया, हाँ मतलब फुटस्टेप उसको भी सुनाई देते हैं भाई साहब, हाँ तो उसको पता चल गया कि मैं इधर आ गया हूँ, तो एक मौली फेंकने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ राइट पिक करने की बजाय लेफ्ट पिक कर लेता हूँ गलती से। उसके बाद वो लौंडा ठिलता तो नहीं है, लेकिन मेरे ऊपर रश कर देता है, देखो फिर क्या होता है। और भाई साहब इसको तो मैं जैसे तैसे नॉक कर देता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि उसका दूसरा लौंडा जो अभी तक रश नहीं कर रहा है मेरे ऊपर, तो मैं उसको जाने देता हूँ। उसके बाद मैं हील करता हूँ, उसके बाद उसका दूसरे लौंडा का फुटस्टेप चालू हो जाता है, तो देखो फिर क्या होता है उसके बाद। और भाई साहब इसी के साथ हो जाता है एक बेहतरीन चिकन डिनर, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वीडियो देखने के लिए, जिन लोगों को भी वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि इस तरीके का मज़ेदार वीडियो हर रोज़ आप तक पहुँच पाए, और मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है यदि आप लोग इस तरीके का काम करते हैं, चाहे लाइक कर दो या फिर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और प्लीज़ मेरे वीडियोज को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, पबजी लवर्स के साथ जो पबजी का कॉन्टेंट देखते हैं या खेलते हैं उनके साथ शेयर करो यार, तो बहुत ज़्यादा मेरा भी इंक्रीज़ होगा, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। और डिस्क्रिप्शन पे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक होगा, जाके वहां पे मुझे फॉलो कर लो, और बहुत सारे मैसेजेस कर सकते हो वहां पे, मुझसे बात कर सकते हो, बहुत सारी चीजें वहां हो सकती है, मीम शेयर हो सकते हैं, बहुत काम होता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मैं मिलता हूं आप लोगों को अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।